सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे तूने चाहा नहीं, मैंने चाहा है तुझे। बेटा ये कोई कहने वाली बात है, माँ हूँ तुम्हारी, मैं दुआ नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। थैंक यू। मामा क्या हुआ? मेरी नसीहतों ने तो काम नहीं किया लेकिन दवाई काम कर गई है। अर्णव पानी, आयश पानी, आयश आनो जरा सूखा पानी पिलाओ। मेरी तबीयत फिर खराब हो गई थी ना? नहीं वो तुम घर आई थी ना तो कमजोरी से चक्कर आ गए, बस और कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ याद आया, मैं और ज़ियान अर्श की शादी की बात करने आए थे। और हमेशा की तरह मेरी तबीयत मेरी बहनों की खुशियों के आड़े आ गई। अब दिमाग पे जोर मत डालो, तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों? मैं तो कमजोरी से बेहोश हुई थी ना, दिमाग का क्या ताल्लुक है? अफसोस। किस बात का? अच्छी वाली तुम्हारी शादी की बात चल रही थी। लो वो तो अभी भी चल रही है, उससे क्या होता है? सारी तैयारियां तुमने ही तो करनी है मेरी शादी की, जल्दी से ठीक हो जा, बहुत भगाना है मुझे आप दोनों को अपनी शादी। अच्छा मुझसे एक वादा करोगे? बोले। अब मेरी तबीयत की वजह से शादी का एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है, बस तबीयत ठीक हो जाएगी थोड़े दिन में, शादी रोक थोड़ी रहे हैं। नहीं अब मेरी बहनें खुशियों के लिए इंतजार नहीं करेंगी। मगर कुछ भी नहीं, अरमज ने वादा किया है। जी मेरी से बात हुई है, सर पे मामूली सी चोट है जी, मंगल से ज्वाइन करेगा ऑफिस। जी ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। अरमा अरमा जिस दिन से हैदर अंकल ने मेरे और आपके रिश्ते की बात की थी उस दिन से मैं इतनी खुश थी, दिन और रात बस यही सोचती रहती थी कि कब इस घर से निकल के अपने हकीकी घर में जाऊंगी। लेकिन फिर जिंदगी ने कुछ ऐसे मोड़ लिए कि मैं
बस। समझ सकता हूं मैं, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दोबारा इनकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। उसे तुम्हारी जरूरत है और ऐसे वक्त पर किसी अपने की कितनी जरूरत होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मैं खुद जो अकेला हूं, अकेला इंसान अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाता है। फराज, मेरे होते हुए आप अपने आप को अकेला कैसे समझ सकते हैं? I'm sorry, अरमा। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मैं ही आपको समझा ही नहीं सकी। कितनी बार बोला है, फिर सुबह सुबह निकल गई अम्मा। क्या हो गया भाई, वो भाला घर पे नहीं है क्या? भाईजान क्या हो गया, इतना तपावा क्यों है? उसको तो मैं सबक सिखा के रहा हूं, तो टके की औरत। औरत? तेरे मुंह से ना पहली दफा ये लफ्ज औरत सुन रहा हूं मैं। मामला क्या है? खैर तो है ना? अबे सबके सामने मेरी माँ की बेइज्जती की है उसने। मैं किसने कर दी, नाम बताओ और लाश उठाओ उसकी। उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये वही लड़की है जिसने मुझे। ओ यार, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और एक बात बता, तुझे किसने बताया उसने खाला की बेइज्जती की है? अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख के आया हूँ मैं, इन कानों से सुनी है मैंने बेइज्जती। शाबाश है भाई साधु तेरे पर, उसने तेरे सामने तेरी माँ की बेइज्जती की और तू चुप करके चला आया वहां से। अबे बजाता दो कान के नीचे। अबे कैसे बजाता, अंदर अम्मा थी, जानता है अम्मा के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस लड़की को मैं सबक जरूर दिखाऊंगा, उसकी तो मैं। बस चल अभी बातें करता रहेगा, चल। Good to see you. तुम हॉस्पिटल में सब खैरियत तो है? हाँ, वो एक दोस्त से मिलने आया था तो अरमा से मुलाकात हो गई। उसने मुझे एन के बारे में बताया। बहुत अफसोस हुआ, मुझे तो लगा था कि शायद वो ठीक हो रही है, लेकिन वैसे ये धोखा मुझे भी थोड़ी देर के लिए हुआ। लेकिन जिंदगी जिंदगी हर धोखे को हकीकत से दुचार करती। खैर, तुम्हारी अरमा से मुलाकात हुई, I'm really happy। पता नहीं फराज ये बात मुझे तुमसे करनी भी चाहिए कि नहीं, लेकिन अरमा काफी परेशान जानता हूं। देख लिया मैंने उसकी आंखों में सारी कहानी दर्ज है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उसे वक्त पर नहीं समझ पाया। उस दिन तुमसे बात करते हुए मेरे लहजे में जो तलखी थी, मुझे उम्मीद है कि तुम भूल पाओगे। Come on, फराज, तुम्हें कब का भूल चुके। और वैसे भी जहां सच्चे और मुखलिस रिश्ते होते हैं, वहां छोटी छोटी नोकझोंक हो भी जाए तो उनकी कोई वर्थ नहीं होती। यार ऑल वर्थलेस। लेकिन मेरे लिए खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी अरमा से मुलाकात हुई। Trust me, मेरा
है जमीर बहुत हल्का हो गया। जब तक यहाँ हॉस्पिटल में चेक लगाता रहूंगा, मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बताना। सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। यू टू। थैंक यू। सूप कड़वा नहीं है, तुम्हारे मुंह का जायका खराब हो गया दवाइयां खा खा के। बस मुझे नहीं पीना सूप, और प्लीज इसे यहाँ से हटाएं, मुझे नहीं पीना। थोड़ा सा प्लीज। अच्छा चलो रख दो, बाद में पीने। सिफारिश इतनी बड़ी है, मैं क्या कर सकती हूँ। कैसी तबीयत जियान? मुझे मुस्कान की बहुत याद आ रही है। वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने हाजरा को बुलाया है, वही संभाल रही है। तुम फिक्र ना कर। कैसे ना करो, उसके बगैर दिल कटने से लगता है। और यहां पे पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा। एहन, तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द तुम डिस्चार्ज हो जाओगे यहां से, फिर हम घर चलेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। डिस्चार्ज? डिस्चार्ज का तो कुछ पता नहीं। प्लीज आप मुस्कान को ले आइएगा, प्लीज। मेरा बहुत दिल कर रहा है उसको देखने को। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ले आऊंगी ना उसे। लेकिन तुम इस तरह सोच सोच रहे, दिमाग पे जोर मत डालो। अच्छा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर आपने ठीक होना है बस जल्दी से अपनी तबीयत ठीक करें, फिर मुस्कान तो घर पे ही है ना, घर ही जाएंगे हम। सही कह रही हैं, क्योंकि अर्श को यहाँ लाने का मकसद ही ये है कि तुम्हें मोटिवेट कर सके। चलो अब सूप पिलाओ उसको। यस सूप। थोड़ा सा बातें हो गई, चलो चलो थोड़ा सा पीना पड़ेगा। अम्मा अब ये मसला कब तक चलेगा आखिर? भाई कौन सा मसला? ओह यही ऐन वाला मसला, आखिर कब तक रहेगी वो बीमार और अस्पताल में? तुझे मैं शक्ल से डॉक्टर लगती हूँ या निजूमी? सीरियसली डॉक्टर तो तुम हो नहीं सकती, सॉरी टू से, क्योंकि वो पढ़े लिखों का काम है। और निजूमी तो मैं हूँ, क्योंकि मैं पहले ही पेशेंट गोई कर चुका था कि जल्दी से कुछ कर लो वरना कुछ गड़बड़ होने वाली है। आए और इससे जल्दी क्या करती, दो दिन में निकाह करके क्या रुखसत कर देती? अब ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा अम्मा। आए क्या सटिया गया है? सीरियसली सटियाने की उम्र तो तुम्हारी हो गई है। मैं तो ओरिजिनल सोफिसर ठीक हूं, और वैसे भी इन मनहूसों को निपटाने के लिए कोई ना कोई तो प्लान तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि चैट मंगनी पट ब्याह, और वैसे भी मैं तो तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूं, दो दिन में तलाक करवाते हुए। तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। आए कैसे माँ पे इल्जाम लगा रहे हैं, तेरी जुबान को भी कुछ नहीं हो रही है। आए मैंने किसकी तलाक करवा दी? सॉरी टू से अम्मा, बचपन से बकरी की मेमने की तरह तुम्हारे साथ साथ हूँ, कोई बात मुझसे छुपी तो नहीं हुई। ये बता मैंने तलाक किसकी करवाई? शफीका खाला की तुमने तलाक नहीं करवाई क्या? अरे किसी का शौहर दूसरी शादी कर लिया होगा तो मैं बताऊंगी नहीं क्या? वाह अम्मा वाह,
जिसकी शादी का तुमने कौरमा खाया उसी की मुखबरी कर दी। दया परामर, तुम्हारा अजीब किस्म का मैंने लौंडा पैदा कर लिया। जितना चाहे मर्जी मार लो माँ, जितना मर्जी मार लो, मगर एक बात याद रखना, दम है मेरी बात में। के तो तू ठीक रही है, अब कोई ऐसी तरकीब करनी पड़ेगी के झट से मंगनी और पट से ब्याह हो जाए, फिर मुसीबत आए या अजाब हमारी जान तो छूट जाएगी। है ना आए कभी कभी ना तू मेरी औलाद लगता है। ऐसे यकीन तो नहीं आता, तेरी हरकतें जो है ना वो इस तरह नहीं है। सीरियसली समझ आ गई तुम्हारी अकल में? बस कर दे बस, इतनी भी अच्छी बात नहीं थी। मेरा ऑरेंज भी आधा ही रह गया अल्लाह की कसम। नाखून तो चेक करो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी। वो मामा, क्या हुआ बोलो ना। मामा मैंने अर्श से शादी करने का फैसला कर दिया। अर्श से शादी? इसका भूत तुम्हें अभी उतरा नहीं है? मैं तो सोच रही थी तो तुम अच्छा खासा फरा में इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन ये कहां से बीच में आ गई? मामा फरा मेरी जिंदगी का वो फेज था जो आई और चली गई, लेकिन अर्श मेरी जिंदगी की हकीकत है। इतने समझदार तो तुम कभी भी नहीं थे कि हकीकत और धोखे में फर्क कर सको। कम से कम माँ की बात ही समझ लेते। मैं बच्चा नहीं हूं मामा, अपना अच्छा बुरा समझ सकता हूं, और मेरी जिंदगी की बेहतरी अर्श के साथ ही शादी करने में है। मेरी बात सुनो शहरयार, मैं इस रिश्ते की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। मामा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मुझे जो कहना था शहरयार मैं कह चुकी हूँ, अब फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम्हारा फैसला मेरे फैसले से टकराया ना तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान तुम्हारा होगा, समझे तुम? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती मामा, नहीं कर सकती।